नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, बहुत कम समय, कम सामग्री और इसे बनाना मतलब कि बच्चों का काम हो। देख लेते हैं हमारी रेसिपी। दिख रही है ना एकदम घर की ही सामग्रियों वाली चटाकेदार कचौरी चाट। भाई चाट का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि इसके लिए घंटों मेहनत करनी पड़ेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम कम समय में और बहुत ही चटपटा चाट बनाएंगे, और वो भी कचौरियों के साथ। और कचौरियां भी तो देखिए आप, एकदम जैसे गुब्बारे की तरह फुली हो। उसके लिए हमने यहाँ पर एक बड़े से बाउल में सूजी ले लिया, जिसे हम रवा भी कहते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर पहले डेढ़ कटोरी ले लिया है। आप कोई भी कप या कटोरी से ये रेसिपी का सारा मेजरमेंट फॉलो कर सकते हो। स्वाद अनुसार हम नमक मिला देंगे। सूजी पतली हो या मोटी कोई भी चलेगी। जितना हमने सूजी लिया है उससे थोड़ा सा कम इसमें हम पहले पानी डालेंगे, मतलब कि डेढ़ कटोरी है तो हम समझ लीजिए एक कटोरी के ऊपर और 2-3 चम्मच के जितना हमने पानी में मिला लिया है। और यहाँ पर सूजी को हम पानी के साथ मिलाकर कुछ 15 से 20 मिनट तक रेस्ट करने रख देंगे। और रेस्ट के बाद आप देखोगे कि ये सूजी है ना काफी फूल जाएगी और एकदम मुलायम भी बन जाएगी। फिर यहाँ पर 15 से 20 मिनट के बाद जितना हमने सूजी भिगाया था उतना ही हम यहाँ पर पहले मैदा ले लेंगे। मैदे को हम अच्छे से छान कर इसमें मिक्स करेंगे। नमक हमने ऑलरेडी मिला दिया है और हमने ऑलरेडी पहले डेढ़ कटोरी रवा मिलाई आई था, तो अब हम फिर से एक कटोरी और रवा मिला देंगे, मतलब कि मैदे के बाद टोटल हमने 2.5 कटोरी रवा ले लिया है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 चम्मच तेल लेकर हम इसे एकदम चिकना और मुलायम कर देंगे। आप आराम से एक एक स्टेप देखोगे ना तो आपकी ये कचौरियाँ एकदम बलून की तरह फूलेगी, ये मेरी गारंटी है। आप देख लीजिए एकदम परफेक्ट हमने आटा लगा दिया है। अब फिर से हम ये आटे को करीबन 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने रख देंगे। पहले हमने 10 से 15 मिनट रखा था। यहाँ पर मैंने कुछ 2 कटोरी के जितना हरे वाले मूंग को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। आप ओवरनाइट भी भिगो कर रख सकते हो। हमने जैसे 2 कटोरी मूंग लिया है तो इसे हम अच्छे से धोकर, मूंग भिगे ना उतना ही मतलब कि पानी लेंगे और इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक मिलाकर सिर्फ 1 सीटी ही हमें इसकी लगानी है। और तुरंत 1 सीटी के बाद आप देखोगे तो हमारे मूंग जो है एकदम खिले खिले रहेंगे, अच्छे से करारे भी रहेंगे, मतलब कि एकदम जैसे खिचड़ी की तरह मैसी मैसी नहीं हो जाएंगे। देखिए तो हमने ये मूंग को अच्छे से उबाल तो लिया है और इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने एक छोटे से पैन में 1 चम्मच घी ले लिया है। घी के अंदर हमने गरम होते ही 1/2 चम्मच जीरा ले लिया है और 1 चम्मच साबुत धनिया ले लिया है, 1/2 चम्मच सौंफ ले लिया है। गैस की फ्लेम को हम यहाँ पर एकदम लो कर देंगे। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच हल्दी ले ली है और यहाँ पर हमने 1 चम्मच पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा ये मसाला जलना नहीं चाहिए और इसे हम मूंग के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पर मूंग के बदले में जो मोठ आती है ना वो भी ले सकते हो, थोड़ी सी वो ब्राउनिश कलर की होती है, पर ये जो कचौरियों को मेरे घर पर मूंग के साथ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। 1 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच हमने यहाँ पर चाट मसाला भी डाल दिया है। और यहाँ पर देखिए हमारा आटे ने बहुत अच्छे से रेस्ट कर लिया है। टोटल हमने यहाँ पर मान लीजिए कि 45 मिनट के जितना रेस्ट दे दिया है, 30 मिनट्स अब और 10 मिनट्स पहले। आटे को अच्छे से हमने स्मूथ करके बाद में फिर से हमने ना इसकी छोटे छोटे से पेड़े बना लिए और आटे को हमें इसको ढककर ही रखना है, वरना ये सूख जाएगा और ऊपर पपड़ी जमने लगेगी। यहाँ पर हम मीडियम साइज की इसकी पूरियों की तरह पूरियां बेलते जाएंगे। ज़्यादा पतली नहीं करनी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी है। और ख्याल रखें यहाँ पर हमें सूखा आटा भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपकी भी ये कचौरियाँ एकदम परफेक्ट बनेगी। अब आप कहोगे कचौरियाँ और कोई स्टफिंग नहीं, भाई देखिए आगे और बहुत कुछ इसमें बाकी है। एक बाजू तेल भी गर्म है और हमारी कचौरियों को हम तेल में तल लेंगे। हम भाई हलवाई तो नहीं है पर हलवाइयों से कम भी नहीं है, तो इसमें से कोई एक आध कचौरी
ना भी फूले तो उसका कोई टेंशन ना ले। और हम इसे ना गरम तेल में करछी की मदद से अच्छे से चारों तरफ तेल के ऊपर छींटे डालते रहेंगे ताकि इसकी किनारियाँ भी है ना कच्ची ना रहे। ऐसा करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हमारी पूरियाँ है ना एकदम बॉल की तरह फूल जाएगी ना, तो जो किनारी होगी ना राउंड वहाँ पर वो कच्चे रह जाएंगे। तो ऐसा ना हो तो इसके लिए हम जब तेल में डालेंगे तब गैस की फ्लेम को हाई रखना है और उसके बाद गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और एकदम प्यारा सुनहरी कलर आने तक हमें इसको डीप फ्राई कर लेना है। देखिए चारों तरफ हमने पूरी को एकदम प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक तल लिया है। ख्याल रखें कि कचौरी को हमें एकदम चम्मच से इस तरह से तेल इसके ऊपर छींटे डालते रहना है वरना किनारे जो है वो सफ़ेद रह जाएंगे तो वो हमारी कचौरियाँ सॉफ्ट हो जाएगी बाद में। देखिए एकदम बलून की तरह फूल रही है ना जैसे कोई गुब्बारा हो। और ये कचौरियाँ तेल भी नहीं पीती है, भले हम इसको तेल में नहला रहे फिर भी बहुत कम तेल पीती है। हमारी कचौरियाँ तो तैयार है, आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो और ऐसे ही बच्चों को चलते फिरते भी हम दे सकते हैं और इसे आप काफी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हो। अब देखिए इसकी आवाज, सुनाई दी ना आपको भी, इतनी करारी और इतनी क्रंची है। और इसके लिए हमने यहाँ पर चाट है तो भाई दो तरह की चटनी, खजूर इमली वाली और हमारी हरे धनिया वाली, कुछ टमाटर और कुछ कद्दूकस किया हुआ गाजर, लच्छेदार हमारे अदरक और नींबू और हरा धनिया, जो हमने मूंग तैयार किए है ना वो एक प्लेट में ले लेंगे, ऊपर हमारी एक कचौरियों को रख देंगे और इसके ऊपर फिर से हमारा मूंग का आ जाएगा चटपटा फिलिंग्स और इसके ऊपर हरे धनिए की चटनी, यहाँ पर खजूर इमली वाली चटनी। ये दोनों चटनी की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, उसका लिंक भी आप जरूर देख लीजिएगा। कद्दूकस किया हुआ गाजर, बारीक कटे हुए टमाटर और यहाँ पर कुछ चाट मसाला, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा गाढ़ा वाला दही और साथ में एक रिंग टमाटर की और थोड़ा सा नींबू का रस। आप चाहे तो यहाँ पर प्याज भी ले सकते हो, पर बिना प्याज के भी ये कचौरी चाट जो है ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। आप जब बनाओगे तब यकीन करोगे और बहुत ही फटाफट बन जाता है। अगर आपने कचौरियाँ पहले से भी बना कर रख दी तो चलते फिरते आप ऐसा चाट बना सकते हो। आपके भी मुंह में आ गया ना पानी, तो देर किस बात की है। आज की ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बाजू में दिख रही बेल आइकन को ऑल प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैं पारुल जल्दी मिलूंगी और नए वीडियो के साथ।